इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही खास दिन, अक्सर लोगों की नजरें आज बिहार में एनडीए या महागठबंधन की सरकार बनेगी इस तरफ है। अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देर रात तक फैसले आएंगे। खैर, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। हमारा आज अलग मौजू पर बात करना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे लोग सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं, बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावर पैदा। खैर, अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश, शायर मशरक अल्लामा इकबाल का कलाम आज के नौजवानों के लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं। इनका एक एक लफ्ज, एक एक अशार गोया आज के मुसलमानों की रहनुमाई करते दिखाई देते हैं। कहते हैं, अगर आज के नौजवान सिर्फ अल्लामा इकबाल के कलाम को समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी कौम का मुस्तकबिल संवर सकता है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उर्दू के जानने वाले भी अल्लामा इकबाल के कलाम से दूर होते जा रहे हैं। कभी यौम इकबाल बड़े ही शान शौकत के साथ मनाया जाता था, पर आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवान इनकलाबी शख्सियतों की तारीख से दूर होते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर हो रहे हैं। इस्लामी तालीमात से बेजारी आज की मिल्लत की सच्चाई है। वरना अल्लामा इकबाल ने गोया आज के मुसलमानों के बारे में हर्फ-ब-हर्फ बताया है कि मिल्लत की अफसोसनाक तस्वीर की सच्चाई ये भी है कि हम मसलक में बट गए, हमारी कुव्वत आपसी इख्तलाफात में सर्फ हो गई। अल्लामा इकबाल ने कहा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक कुछ बड़ी बात थी, जो होते मुसलमान भी एक। एक उम्मत को सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं फिरकों ने किया है, अपनी इबादतों पर फक्र करने वालों के लिए भी। कहा कि दागे सजूद अगर तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी करके जमीन पे निशा रहे। हर जगह पर उम्मत को झिंझोड़ने का काम अल्लामा इकबाल के अशार ने किया। आज के नौजवानों के लिए यूं दुआ भी फरमाई कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़फा दे, जो कल्ब को गर्मा दे। नौजवान किसी कौम का मुस्तकबिल होते हैं और इन्हीं के हाथों में ये मुस्तकबिल महफूज भी रहता है। जहाँ हलाल हराम की तमीज नहीं, दुनिया परस्ती की भूख ने मिल्लत को अयाशी के चकाचौंध में खोता नजर देखकर इन्हीं से मुखातिब होकर अल्लामा इकबाल ने कहा कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तूने तदब्बुर भी किया, वह क्या गर्दू था कि तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। मुसलमानों के असलाफ की तारीख को याद दिलाते हुए कहते हैं कि निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को तरस गए हैं किसी मर्द राहदा के लिए। तारीख इस्लाम के जांबाजों का जिक्र कर आज के बुजदिल मुसलमानों के लिए कहा, थे तो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बातिल ताकतों को मोमिनों की तारीख को याद दिलाते हुए कहा कि बातिल से दबने वाले हैं आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। गुमराह मुस्लिम नौजवानों को राह दिखाने का काम अल्लामा इकबाल के अशार करते रहे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत चनाज दे तुझको, सुकूते लाला वो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीर नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने देने से बचने के लिए जो लोग बहाने तलाशते हैं, बहाने ढूंढते हैं, जो आजकल के माशरे में ऐसे ही लोगों की भरमार है, जिस्म पर खराश के बगैर इनकलाब लाने वालों की काफी लोग आज के माशरे में नजर आएंगे, इनके लिए भी अल्लामा इकबाल ने कहा कि कहने का मतलब यह है कि अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने वाला और मस्जिद में बैठकर इबादत करने वाला एक जैसा नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल कहते हैं, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, खरगस का जहां और है शाही का जहां और, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं मगर मुल्ला की अजान और मुजाहिद की अजान और। आज मुसलमान तमाम बुराइयों में मुलविस हो चुका है। तमाम जमातें इदारे तंजीमें कोशिश तो कर रही हैं, इसके बावजूद ये अजीम कौम आज जिल्लत का शिकार है। कभी दुनिया की इमामत किया करते थे, लिहाजा अल्लामा इकबाल ने कहा कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। यही सच्चाई है कि आज फिर से हम पहले वाले मुसलमान बन जाए। धोखा फरेब झूठ बुजदिली को छोड़कर एक बार फिर अल्लाह की तरफ लौटते हैं तो वही मर्तबा हासिल कर भी सकते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है।
आज यौम पैदाइश अल्लामा इकबाल के मौके पर अल्लामा इकबाल के कलमात को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं तो गुमराह नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को समझकर अमल करेंगे। लिहाजा इसी महीने एक और अजीम शख्सियत का यौम पैदाइश है और वो है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान की जिंदगी पर और इनकी शुजात पर अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर को समझ कर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।